दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल क्रिकेट एंड प्रिडिक्शन में। गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, दो T20I मैचों की श्रृंखला खेली जाने वाली है, जिसमें से पहला मुकाबला आज मतलब 3 अगस्त के दिन खेला जाएगा। बहुत ही अच्छा आप लोगों को रोमांचक मुकाबला देखने को मिल जाएगा। तो दोनों टीमों की क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है, सब कुछ आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, गाइस देखो ये टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे जरूर ज्वाइन हो जाना। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। टॉस के बाद कुछ भी फर्दर अपडेट या फाइनल टीम अपडेटेड करना होगा तो मैं यहीं पे आप लोगों को दे पाऊंगा। कल आप लोग देख सकते हो जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच में जो थर्ड T20I मुकाबला खेला गया था, जो टीम मैंने आप लोगों को दिया था सेम टीम से मैंने यहाँ पे ग्रैंड लीग यार प्ले किया था। और आप लोग देख सकते हो यार 20,000 लोगों की ग्रैंड लीग में यहाँ पे कितना क्लोज रैंक आया, 121 रैंक आया, 173 रैंक आया। सेम टीम जो आप लोगों को देता हूँ उसी टीम से खेलता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर प्लीज ज्वाइन हो जाइएगा। हाँ, सब्सक्राइबर देखकर मुझको जज मत कीजिएगा, 146 सब्सक्राइबर जो आप लोगों को देख रहे हैं, हो सकता है आपके ज्वाइन होते होते ये और घट भी जाए या फिर बढ़ भी जाए, ठीक है, बाकी इससे कोई मैटर नहीं है। बात है गाइस कि आप लोग यहाँ पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ये मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ, जब ठंडी में बिग बैस लीग चल रहा था तो स्ट्राइक आ गई थी चैनल पे, तो इस वजह से यहाँ पे जो कि मेन चैनल था 1 लाख के समथिंग वाला वो डिलीट कर दिया गया था। बट कोई नहीं, आप लोग प्लीज यहाँ पे सपोर्ट करना और ज्वाइन हो जाना। बाकी यूट्यूब पे भी आई होप कि आप लोग सब्सक्राइब कर ही लोगे तो IPL तक फिर से ग्रो कर लिया जाएगा। बाकी कोई नहीं, आप लोग यहाँ पे जरूर ज्वाइन हो जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में चल जाना गाइस, लिंक मिल जाएगा, लिंक के थ्रू आ जाना। बाय द वे किसी रीजन से लिंक वर्क नहीं करता है तो Cricket2580 लिखकर सर्च कर लेना। और हाँ, रियल चैनल पे आना, पिंड मैसेज में आके 6 जून का मैसेज देख लेना। तो फाइनली वीडियो को गाइस हम लोग यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला T20I अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा, यहां से बात करते हैं तो 3 अगस्त 2022 को अपने भारत टाइम अनुसार रात के 11 बजे ये मुकाबला होता हुआ दिख जाएगा। आप लोगों को वेन्यू के बारे में मैं बता दूं, ग्लुचेस्टर क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला खेलता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा। यहाँ पे गाइस इंटरेस्टिंग पिच रिपोर्ट रहने वाली है, तो पिच रिपोर्ट के बारे में ये मैं कहना चाहूंगा कि देखो बैटिंग करने के लिए काफी अच्छी सर्फिस है, अगर बैट्समैन अच्छे से बॉल को टाइम करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। और वैसे भी आप लोगों को मालूम है गाइस कि साउथ अफ्रीका की टीम अभी हाल ही में इंग्लैंड को हरा के आ रही है, बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं है, 4-5 दिनों की बात है, ठीक है, तो वैसे ही भी कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बूस्ट हो गया। तो यहाँ पे तो वैसे भी अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका आयरलैंड में साउथ अफ्रीका की टीम का पलड़ा काफी ज्यादा भारी रहने वाला है। यहाँ पे हेड टू हेड मुकाबले की बात करता हूँ तो देखोगे तो 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से साउथ अफ्रीका की टीम ने ही 3 मुकाबले वोन किए, आयरलैंड का खाता ही नहीं खुला अभी तक। बात करते हैं इस ग्राउंड पे जब जब T20 मुकाबले होते हैं तो क्या कुछ होता है, तो यहाँ पे तो मैं बात करूँ आप लोगों को तो देखोगे तो टोटल 4 ही T20I मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 1 ही मुकाबले वोन किए, वहीं चेस करने वाली टीम ने गाइस यहाँ पे 3 मुकाबले वोन किए। लेकिन देखो साउथ अफ्रीका की टीम या बैटिंग फर्स्ट करे या फिर बैटिंग करे सेकंड, ज़्यादा मैटर करने वाला नहीं है ये, क्योंकि आप लोगों को मालूम है 90% से ज़्यादा चांसेज है कि साउथ अफ्रीका की टीम ही ये मुकाबला वोन करने वाली है। एवरेज स्कोर की बात करते हैं तो 178 रन यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए है, हाईएस्ट स्कोर जो कि इंग्लैंड की टीम ने बनाया था 234 रन 6 विकेट के नुकसान पर, वहीं लोवेस्ट स्कोर भी सेम इंग्लैंड की ही टीम का 136 रन बनाई थी 9 विकेट खोकर। स्कोरिंग पैटर्न पर हम लोग नजर डालते हैं क्या कुछ होता है, तो देखो तो आप लोग 150 से कम यहाँ पे 2 बार स्कोर बना है, 150 से 170 के बार बीच में 1 भी बार स्कोर बना नहीं है, और 190 से ज्यादा 2 बार स्कोर बना है। स्कोरिंग पैटर्न भी गाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टेड, या तो फिर यहाँ पे आप लोगों को 150 से कम स्कोर बनता हुआ दिखेगा या तो फिर आप लोगों को 190 से ज्यादा स्कोर बनता हुआ दिखेगा। तो आप लोग ये मान के चलना अगर आयरलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो ये स्कोर 130 से लेकर आप लोग 150 मान के चल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करती है तो सेम स्कोर 180 से लेकर आप लोग 200 के समथिंग मान के चल सकते हो। बाकी बात करते हैं T20 डोमेस्टिक में यहाँ पे क्या कुछ होता है, तो देखोगे तो 41 मुकाबले यहाँ पे खेले गए हैं टोटल, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 17 ही मुकाबले वोन किए, वहीं फिर देखोगे चेजिंग करने वाली टीम ने 24 मुकाबले वोन किए। इंटरनेशनल में भी गाइस जो टीम चेज कर रही थी यहाँ पे ज़्यादा मुकाबले जीत रही थी, सेम यहाँ पे डोमेस्टिक में भी यही रिकॉर्ड है, चेजिंग करने वाली टीम को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपर हैंड मिलने वाला है। एवरेज स्कोर की बात करते हैं डोमेस्टिक में तो 166 रन है, हाईएस्ट स्कोर जो कि ससेक्स की टीम ने बनाया था 242 रन 5 विकेट के नुकसान पे, लोएस्ट स्कोर यहाँ पे ग्लुचेस्टर की टीम का है जहाँ पे मुकाबला खेला जा रहा है, 101 रन बनाई थी 5 विकेट खो दी थी अपना। डोमेस्टिक में स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं क्या किस कुछ स्कोर बनता है, तो 150 से कम 11 बार स्कोर बना है, 150 से 170 के बीच में भी 11 बार स्कोर बना है, 170 से 190 के बीच में 12 बार स्कोर बना है, 190 से ज़्यादा 7 बार स्कोर बना है। देखोगे गाइस तो काफ़ी क्लोज स्कोर बना है सभी में, तो मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया कि आयरलैंड की टीम खेलेगी तो 130 से 150 मान लेना, अगर साउथ अफ्रीका की टीम खेलती है तो 180 से 200 मान के चल सकते हो। रिसेंट में कुछ मुकाबले खेले गए हैं इस ग्राउंड पे तो बात करते हैं, तो अभी हाल ही में आप लोगों को मालूम है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में मुकाबला खेला गया है,
उसमें हुआ यह है गाइस, देखोगे तो इंग्लैंड की टीम 234 रन बनाई थी 6 विकेट के नुकसान पे, साउथ अफ्रीका की टीम उसको चेज नहीं कर पाई थी। यह पहला T20I मुकाबला था जिसमें कि जॉनी बेस्टो ने बहुत ही जानदार पारी खेली थी, अभी भी याद है। 193 रन गाइस यहां पे बना पाई थी साउथ अफ्रीका की टीम और अपने 8 विकेट खो दी थी। हुआ यह था कि इंग्लैंड की टीम 41 रनों से यह मुकाबला जीत गई थी। एक और मुकाबला खेला गया था 8 जुलाई को यहाँ 2018 को, मतलब 4 साल पहले की अब मैं आप लोगों को रिकॉर्ड बता रहा हूँ। इंग्लैंड की टीम 198 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाई थी, इंडिया की टीम 201 रन बना के ये मुकाबला चेज कर गई थी। 7 विकेट से अभी हाथ में था तभी ये मुकाबला जीत गई थी। अब चलते हैं गाइस हम लोग 2011 में, लगभग 10-11 साल पहले चलते हैं, ठीक है। इंग्लैंड श्रीलंका के बीच में मुकाबला खेला गया था, इंग्लैंड की टीम 136 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाई थी, श्रीलंका की टीम 137 रन महज 1 विकेट खोकर यह मुकाबला चेज कर गई थी। और आप लोगों को मालूम है यार उस टाइम की श्रीलंका श्रीलंका की टीम हुआ करती थी। बाकी आप लोग यहां से अगर मैं स्कोरिंग पैटर्न बताऊं तो देखोगे तो ये काफी पुराना मैच है, तो इसको इंक्लूड करे बिना अगर देखा जाए तो देखो हाई स्कोरिंग मैच, हाई स्कोरिंग मैच, ठीक है। तो आप लोग यहां पे भी हाई स्कोरिंग मैच मान के चल सकते हो। बात करते हैं दोस्तों यहां से आयरलैंड की क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पे प्लेइंग 11 बता देता हूं, उसके बाद प्लेयर्स के ओवरऑल रिकॉर्ड मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, तो आप लोग एक भी मिनट की सेकंड की वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। बाकी देखो पॉल स्टेलिंग के साथ एंड्रू बलबरीन ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं, बाकी उसके बाद वन डाउन हो सकता है लॉक इन टकर खेले, टू डाउन हैरी टेक्टर खेलेंगे जो कि बहुत ही अच्छे खासे फॉर्म में है, अभी इनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। उनके बाद ग्रेथ डेलैनी हो सकता है खेलते हुए दिख जाए, जॉर्ज डॉकरेल, कॉटिस कैंपर जो कि खुद साउथ अफ्रीका के बॉर्न प्लेयर हैं और आज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ही ये खेलने वाले हैं। मार्क एडर हैं, उसके बाद क्रेक यंग, जोशुआ लिटिल, बैरी मैकार्टी है, कुछ इस प्रकार की हो सकती है आयरलैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11। वहीं बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, तो इनके तरफ से क्विंटन डिको के साथ रीता हेनरिक्स ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं, उसके बाद रोली रोसो जो कि वन डाउन खेल सकते हैं, एडन मार्करम है, डेविड मिलर जो कि टीम के कैप्टन भी हैं, ट्रिस्टन स्ट्रप्स हैं, एंड्रू फ्लेकवायू, एंड्रिक नोकिया, कागिसो रबाडा, लुंगी एंगेडी, इनके टॉप 3 जो फास्ट बॉलर है गाइज इस टीम की जान है ये। बाकी तबरेज शम्सी हाल ही में अभी आई थिंक 5-6 विकेट निकाल के आ रहे हैं इंग्लैंड के विरुद्ध। तो यहाँ से आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है। दोस्तों यहाँ से अब मैं आप लोगों को एक और रिकॉर्ड दिखाना चाहूँगा, जब दोनों टीम एक दूसरे को विरुद्ध खेलती है तो किस प्लेयर का किस तरह का परफॉर्मेंस आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरलैंड की तरफ से, तो जोशुआ लिटिल का नाम है, देखो 2 मैच में 24 रन 24 का एवरेज है, बॉलर है, इनको बॉलिंग के ही नजरिए से आप लोग देखना, फिलहाल इनका एवरेज टॉप में है तो इस वजह से मैंने इनको बता दिया। उसके बाद एंड्रू बलबरीन है, 3 मुकाबले में 55 रन 19 का एवरेज है, और उसके बाद पॉल स्टर्लिंग 3 मुकाबले में 43 रन 15 का एवरेज है, हैरी टेक्टर 3 मुकाबले में 44 रन 15 का एवरेज है, लेकिन हैरी टेक्टर का रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लॉक इन टकर 3 मुकाबले में 36 रन 12 का एवरेज है, तो कोई भी गाइस देखोगे तो बैट्समैन ऐसा बैट्समैन ही आप लोगों को नहीं दिख रहा है जिसका 20 के प्लस भी एवरेज हो, ठीक है। टॉप परफॉर्मर ये आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन 20 पार किसी का एवरेज भी नहीं दिख रहा है। 24 आप लोगों को जोशुआ लिटिल का दिख रहा होगा, लेकिन जोशुआ लिटिल के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये बॉलर है, बॉलिंग से ही आप इनको मान के चलना। अगर बॉलिंग से बात करते हैं टॉप परफॉर्मर्स की, तो मार्क एडर 3 मुकाबले में 5 विकेट है, जोशुआ लिटिल 2 मुकाबले में 3 विकेट है, पॉल स्टर्लिंग 3 मुकाबले में 2 विकेट है, लेकिन बॉलिंग काफ़ी कम कर रहे हैं आजकल, बाकी बैरी मैकार्टी का 2 मुकाबले में 1 विकेट है, ठीक है। आयरलैंड का होप आप लोगों को समझ में आ गया टॉप परफॉर्मर्स। बात करते हैं यहाँ से साउथ अफ्रीका की टीम का, तो यहाँ पे देखोगे तो डेविड मिलर 3 मुकाबले में 139 रन 139 का एवरेज है गाइस, मतलब तीनों मुकाबले में जब जब ये खेले हैं नॉट आउट ही गए होंगे। 1 मुकाबले में 69 रन है रीजा हेनरिक्स का, और मतलब रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, कंसिस्टेंट 350 लगा कर आ रहे हैं, अभी किस टीम के खिलाफ, इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ, वो भी इंग्लैंड में। क्विंटन डिकॉक की बात करते हैं, 2 मुकाबले में 47 रन 24 का इनका एवरेज है, आई थिंक गाइस वो इंग्लैंड में मुकाबला नहीं था, साउथ अफ्रीका में शायद खेला जा रहा था। एडम मार्करम की बात करते हैं, 3 मुकाबले में 47 रन इनका है 24 का इनका एवरेज है। बॉलिंग से देखो गाइस, तबरेज शम्सी 2 मुकाबले में 7 विकेट, हाल ही में अभी 5-6 विकेट भी निकाल के आ रहे हैं। उसके बाद लुंगे एंगिडी का 2 मुकाबले में 3 विकेट, कागिसो रबाडे के 1 मुकाबले में 1 विकेट है, एंड्रू फ्लेकवायो के भी 1 मुकाबले में 1 विकेट है, ठीक है। बाकी दिखा दूं मैं आप लोगों को रिसेंट फॉर्म सारे प्लेयर का, आप लोग यहां से देख लेना, स्क्रीनशॉट खींच लेना। तो देखो यहां से मैं तबरेज शम्सी के बारे में क्या बोल रहा था, रिसेंट फॉर्म देखो गाइस, 2 विकेट 3 विकेट अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मतलब अच्छे प्लेयर है, ठीक है। अब आते हैं फिर से हम लोग अपने नोट्स पे यहाँ पे बात करते हैं प्लेयर्स को ओवरऑल रिकॉर्ड के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे से गाइस मैं बता दूं, एंड्रू बलबरीन जो कि आयरलैंड की टीम के कैप्टन होने वाले हैं, राइट हैंड बैटिंग करते हैं, 72 मुकाबला 1521 रन 23 का इनका एवरेज है, हालिया फॉर्म बहुत ही ज़्यादा खराब है। बाकी बात करते हैं मार्क एडर जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, राइट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 44 मुकाबले में 368 रन 16 का इनका एवरेज है बैटिंग से, वहीं बॉलिंग से 44 पारी में 64 विकेट भी इनके नाम है। बात करते हैं कॉटस कैंपर, आप लोगों को बता दूं कॉटस कैंपर यहाँ पे बोर्न साउथ अफ्रीका के ही प्लेयर हैं,
राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, राइट हैंड बैटिंग करते हैं, और आज अपने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अपने होम टीम के खिलाफ ही खेलने वाले हैं। 15 मुकाबले में 231 रन, 21 का इनका एवरेज है, वही बॉलिंग से 15 मुकाबले में 16 विकेट भी इनके नाम है। ग्रेथ डिलानी राइट हैंड बैटिंग करते हैं, लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 42 मुकाबले में 709 रन, 20 का इनका एवरेज है, वही बॉलिंग से 28 पारी में 19 विकेट भी इनके नाम है। बात करते हैं दोस्तों जॉर्ज डॉकरल का, तो राइट हैंड बैटिंग करते हैं, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करेंगे, 98 मुकाबले में 508 रन, 15 का इनका एवरेज है, एवरेज कुछ खास है नहीं, बैटिंग से उम्मीद भी मत रखना, हाँ बॉलिंग से 76 पारी में 78 विकेट इनके नाम है, मतलब सिंगल मुकाबले में एक विकेट कम से कम आप लोगों को निकाल के दे सकते हैं। स्टेफन धूनी के बारे में आप लोगों को बता दूं, T20 में 37 मुकाबले में 1082 रन, 33 का इनका एवरेज है, राइट हैंड बैटिंग करते हैं। जोसवा लिटिल लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करेंगे, 39 मुकाबले में 42 विकेट इनके नाम है। एंडी मैकब्रेन के बारे में गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करेंगे, 28 मुकाबले 143 रन, 14 का मैच इनका एवरेज है, बॉलिंग से 22 पारी में 21 विकेट भी इनके नाम है। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि प्लीज यहां पे आप लोग स्क्रीनशॉट सारे प्लेयर का खींचते रहना, क्योंकि आप लोगों को टॉस के बाद अगर कुछ भी इसमें से अगर मैंने प्लेइंग 11 बताया है कोई न्यू प्लेयर खेल लेता है तो काम आ जाएगा। बैरी मैकेटी के बारे में आप लोगों को बताऊं, राइट हैंड बैटिंग करेंगे, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 22 मुकाबले में 110 रन, 12 का इनका एवरेज है, वही बॉलिंग से 22 पारी में 20 विकेट भी इनके नाम है। फ्यून हैंड के बारे में बता दूं दोस्तों, T20 का रिकॉर्ड इनका, राइट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं, तो 20 मुकाबले में 181 रन, 25 का इनका एवरेज, वही बॉलिंग से 19 पारी में 18 विकेट भी इनके नाम है। गाइस पॉल स्टर्लिंग राइट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी गाइस कह सकते हो फॉर्म में है नहीं प्लेयर, 107 मुकाबले में 2894 रन, 29 का इनका एवरेज, वही बॉलिंग से 42 पारी में 20 विकेट भी इनके नाम है, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे से बॉलिंग डाल नहीं रहे हैं, ये बात इनके साथ यही है। हैरी ट्रैक्टर जो कि अभी काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन पिछला सीरीज इनका जो कि अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेला जा रहा था उसमें थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चले गए थे, बट कोई नहीं, आप लोग अभी भी मान सकते हो कि अच्छे फॉर्म में अगर कोई प्लेयर 2-3 मैच में फ्लॉप हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। तो देखोगे तो राइट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 37 मुकाबले में 673 रन है, 24 का इनका एवरेज है। लॉकेन टेकर के बारे में बता दूं, विकेट कीपर हैं, 35 मुकाबले 467 रन, 16 का इनका एवरेज है, राइट हैंड बैटिंग करते हैं। क्रेक यंग गाइस 53 मुकाबले में 55 विकेट इनके नाम है, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं। तो होप आप लोगों को आयरलैंड का यहां से पूरे प्लेयर्स का ओवरऑल रिकॉर्ड समझ में आ गया हो। चलते हैं अपनी दूसरी टीम जो कि साउथ अफ्रीका की टीम होने वाली है। गाइस वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर भी नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि कभी मैं फ्यूचर में न्यू वीडियो अपलोड करूंगा किसी न्यू मुकाबले का तो आप लोगों को ज़रूर उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बात करते हैं साउथ अफ्रीका के प्लेयर डेविड मिलर की, जो कि टीम के कैप्टन भी हैं, लेजेंडरी खिलाड़ी हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। लेफ्ट हैंड बैटिंग करेंगे, 103 मुकाबले में 1912 रन, 31 का इनका एवरेज है। उसके बाद ग्रैड कोटेज एक प्लेयर है, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं, 21 मुकाबले में 24 विकेट इनके नाम है। क्वेंटन डिकॉक गाइस इनका भी फॉर्म बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, IPL में बहुत ही अच्छी फॉर्म में थे, बाकी यहाँ पे देखोगे तो इंटरनेशनल में अभी कुछ खासा परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे। 67 मुकाबले 1880 रन, 31 का इनका एवरेज है। रीजा हेनरिक्स के बारे में गाइस स्पेशली मैं आप लोगों को बता दूं, कंसिस्टेंट 3 अर्धशतक लगा कर आ रहे हैं, वो भी कौन सी टीम, इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ, तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में गाइस, इनको तो अपनी टीम में 100% रखूंगा मैं। बाकी रिकॉर्ड की बात किया जाए तो राइट हैंड बैटिंग करते हैं, 46 मुकाबले में 1256 रन, 28 का इनका एवरेज है। उसके बाद देखोगे हेनरिक क्लासन गाइस कुछ पिछले महीने में ये भी बहुत ही अच्छी खासे फॉर्म में थे, प्रैक्टिस मुकाबले में भी अच्छा खासा स्कोर किया था, लेकिन जैसे कि बैटिंग डाउन काफ़ी नीचे है तो कभी कदार बहुत कम बॉल खेलने को मिलता है तो इस वजह से ये आउट हो जाते हैं, लेकिन अगर टॉप ऑर्डर क्लैश करता है तो यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। राइट हैंड बैटिंग करते हैं, 34 मुकाबले में 606 रन, 24 का इनका एवरेज है। केशव महाराज गाइस स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करेंगे, 16 मुकाबले में 13 विकेट इनके नाम है। एडम मार्करम के बारे में बता दूं, राइट हैंड बैटिंग करता है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करेंगे, 21 मुकाबले 640 रन है, ऑलमोस्ट 42 का एवरेज है, वही 9 पारी में 6 विकेट भी इनके नाम है। बात करते हैं दोस्तों यहां से लुंगेंगिड़ी के, 18 मुकाबले 47 विकेट है गाइस, यहां पे राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं यार, गलत तो नहीं लिखा गया है ना गाइस, यहाँ से मैंने करेक्ट कर लिया है, लेकिन चिंता मत करो आप लोग, विकेट तो 47 निकाला ही है इन्होंने, लेकिन मैच 28 खेले हैं, फिर भी गाइस 28 मुकाबले में 47 विकेट निकाल रहे हैं तो कोई कम नहीं होता यार, देख सकते हो कितना लाजवाब इनका परफॉर्मेंस है। अभी पहला मुकाबला जो खेला जा रहा था इंग्लैंड से, आई थिंक 5-6 विकेट निकाले थे, सॉरी दूसरे मुकाबले में। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं यहाँ से, एंड्रिक नोकिया के बारे में बता दूं, राइट आर्म फास्ट ये बॉलिंग करते हैं, 22 मुकाबले में 23 विकेट इनके नाम है। वर्न पार्नल के बारे में बताऊं मैं आप लोगों को, तो लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करेंगे, 43 मुकाबले 137 रन, 27 का इनका एवरेज है, वहीं बॉलिंग से 42 पारे में 43 विकेट इनके नाम है। कभी खेलते हैं तो आप लोग इन पर ज़रूर फोकस कर सकते हो। एंड्रिक फ्लोकवायू लेफ्ट हैंड बैटिंग करेंगे, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, 38 मुकाबले में 149 रन,
महज 9 का एवरेज है, लेकिन बॉलिंग से 35 मुकाबले में 45 विकेट गाइज इनके नाम है। कागिसो रबाडा गाइज, पिछला सीरीज जो कि इंग्लैंड के विरुद्ध खेला गया था, बहुत यादगार इनके लिए गया नहीं था। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं, 46 मुकाबले में 52 विकेट इनके नाम है। उसके बाद रोली रोसो के बारे में गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, जब इंग्लिश T20 ब्लास्ट चल रहा था तो उसमें भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे, और अभी जो इंग्लैंड के विरुद्ध सीरीज खेला गया उसमें भी अच्छा खासा स्कोर करके आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, 18 मुकाबले में 558 रन, 35 का इनका एवरेज है। तबरेज शम्सी गाइज लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन बॉलिंग करेंगे, 54 मुकाबले में 65 विकेट इनके नाम है। ट्रिस्टन स्ट्रफ जो कि पहले मुकाबले में 50 लगा कर आ रहे थे, जो कि इंग्लैंड के विरुद्ध मैच खेला गया था, 5 मुकाबला 72 रन, 47 का इनका एवरेज है। रजी वंडर डूसन गाइज, वनडे का तो ये एक नंबर खिलाड़ी हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, 39 मुकाबला 1030 रन, 38 का इनका एवरेज है। अगर वनडे मुकाबला होता तो गाइज ये तो कैप्टन मटेरियल थे, 70-80 का एवरेज रहता है। बाकी अगर इनके तरफ से मैं बता दूँ तो देखो वो तो सबसे लाजवाब एवरेज का मतलब रिकॉर्ड रखते हैं लुंगी एंगिडी, 28 मुकाबला 47 विकेट गाइज, मजाक थोड़ी है। बाकी होप कि आप लोगों को यहाँ से इन्फॉर्मेशन समझ में आया हो। अब चलते हैं एप्लीकेशन में, देखते हैं इस मुकाबले के लिए क्या टीम बन के रेडी हो रही है। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर ऑप्शन से, तो एक ही ऑप्शन जो कि आप लोगों को बेस्ट में दिखेंगे वो है क्विंटन डीकॉक। बाकी गाइज सब ग्रैंड लीग वाले ही हैं, क्योंकि बैटिंग डाउन भी नीचे ही रहने वाला है, तो सेफ में आप क्विंटन डीकॉक को अपने टीम में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। उससे पहले गाइज बता दूं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना आप लोग। बाकी हाँ, वीडियो देखकर आए होंगे तो आप लोगों को टीम समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगा। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन से, तो फॉर्म वाइज देखा जाए तो हैरी टैक्टर को मैंने रखा है आयरलैंड की तरफ से, काफ़ी अच्छे फॉर्म में, तो हैरी टैक्टर टीम में जगह बना रहे निश्चित तौर पर। रीजा हेनरिक साउथ अफ्रीका के तरफ से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। बाकी रोली रोसो जो कि हो सकता है ओपनिंग या वन डाउन तक खेलें, तो नहीं वन डाउन तक ही खेलेंगे, तो ये काफ़ी अच्छे प्लेयर रहने वाले हैं। बाकी मेरा मन था एडम मार्करम का लेने का, क्योंकि कुछ टाइम पार्ट टाइम ये बॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा साउथ अफ्रीका अपने प्रॉपर कितने बॉलर खिला रही है। अगर 5 बॉलर खिलाएगी तो फिर तो चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि बॉलिंग करें, क्योंकि साउथ अफ्रीका बॉलिंग टीम बॉलिंग की वजह से ही जानी जाती है, तो इस वजह से फिलहाल के लिए मैंने इनको ड्रॉप करके ही चल रहा हूँ। बाकी पॉल स्टर्लिंग को मैंने अपनी टीम में ट्राई किया है, जो कि मतलब देखोगे तो फॉर्म में तो है नहीं, लेकिन हो सके तो कुछ पार्ट टाइम अगर बॉलिंग कर दे तो काफ़ी अच्छा रह सकता है, क्योंकि और कोई मुझे सेफ में ऑप्शन दिख भी नहीं रहा है। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से, तो कॉटेस कैंपर और एंड्रू फ्लेकवायू के साथ मैं यहाँ पे गया हूँ। अभी देखोगे गाइस तो यहाँ पे आप लोगों को ड्वेन पिटोरियस भी दिख रहे होंगे, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड निकाल रहा था ESPN क्रिक इन्फो से तो वहाँ पे ये ऐड नहीं किए गए थे, तो ठीक है अगर मैंने वीडियो में इनका रिकॉर्ड मिस कर दिया है तो आप लोग यहाँ पे चाहो तो देख सकते हैं इनका रिकॉर्ड। देखोगे तो 27 पारी में 223 रन, 20 का इनका एवरेज है। वहीं बॉलिंग से 24 पारी में 28 विकेट भी इनके नाम है। अभी जो अगेंस्ट इंडिया मुकाबला खेला जा रहा था, साउथ अफ्रीका इंडिया का, आप लोगों को मालूम है मई में मुकाबला हो रहा था, मई या जून में, ठीक है, तो उसमें ये वन डाउन खेल रहे थे और IPL के में CSK की टीम से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस था, तो अगर ये खेलते हैं तो इनको अपने टीम में हम लोग जरूर ट्राई किया जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि खेलेंगे, तो इस वजह से मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन से बात करते हैं गाइस, यहाँ पे तो देखो तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे जोशुआ लिटिल के साथ जा रहे हैं। फिलहाल मैंने लिटिल को ड्रॉप किया है, यहाँ से मार्क एडर को लिया जिनके पास थोड़ा सा बैटिंग से भी एडवांटेज है, ठीक है, अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं ये। बाकी तबरेज शम्सी लुंगी एंगिडी कागिसो रबाडा जो कि मतलब रखना ही रखना है यार इन लोगों को, अगर आप चाहो तो, अब मैं नहीं बता पा रहा हूँ गाइस। हाँ, फ्लेकवायू के प्लेस पर अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से अगर एंड्रू नोकिया खेलते हैं तो आप लोग नोकिया को अपनी टीम में बिल्कुल ट्राई कर लेना। कम से कम 4 बॉलर तो लेकर चलना ही गाइस साउथ अफ्रीका के, तो फिलहाल के लिए देखोगे तो मैं फ्लेकवायू को लेकर चल रहा हूँ। अब देखूंगा अगर नोकिया खेलते हैं और डेथ में बॉलिंग करेंगे तो मैं अपनी टीम में जरूर इनको भी प्रेफर करने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मेरी यही टीम बन के रेडी हो रही है, जहाँ पे कि देखोगे तो मैंने कैप्टनसी यहाँ पे क्विंटन डीकॉक को दिया है, क्योंकि सामने की बॉलिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग है नहीं कि मतलब इनको सस्ते में निपटा सकती है हर बार। वाइस कैप्टनसी के तौर पे गाइज मैंने बहुत सोचा, उसके बाद यहाँ पे से मैंने वाइस कैप्टनसी लुंगी एंगिडी को दिया, इनका रिकॉर्ड भी देखकर, रिसेंट फॉर्म भी देखकर, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे देखोगे तो रीजा हेनरिक्स को बना रहे हैं, आप लोग चाहो तो बिल्कुल बना सकते हो, रिसेंट फॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त है इनका भी। तो फिलहाल के लिए कुछ इस प्रकार की टीम मेरी बन के रेडी हो रही, जहाँ की मैंने कैप्टनसी क्विंटन डीकॉक को दिया है। आप लोगों को विकेट कीपर से भी मतलब कुछ पॉइंट देने की एबिलिटी रखते हैं, बाकी वाइस कैप्टन के तौर पर मैं लुंगी एंगिडी के साथ जा रहा हूँ, 2 विकेट भी निकाल लेंगे तो काम कर सकते हैं। अगर सेफ में बात किया जाए तो यहाँ पे कॉटेस कैंपर भी है, जो आप लोग इनको भी ट्राई कर सकते हो या फिर मार्क एडर को भी ट्राई कर सकते हो अगर यहाँ पे आयरलैंड की टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है तो। बाकी ये फाइनल टीम है नहीं गाइस, फाइनल टीम आप लोगों को मैं बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगी, तो फाइनल टीम आप लोगों को यहीं पे मिल पाएगी, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे जरूर ज्वाइन हो जाना, ये टेलीग्राम का चैनल है। बाकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, लिंक के थ्रू भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। बाय द वे, किसी रीजन से लिंक वर्क नहीं करता है तो Cricket2580 लिखकर भी आप लोग चाहो तो सर्च कर लेना, यहाँ पे आप लोग आ जाओगे। टॉस के बाद आप लोगों को ग्रैंड लीग की टीम वगैरह भी यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है। तो होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।